और मैं आशीर्वचन स्वरूप आमंत्रित करता हूँ हमारे रुड़की हरिद्वार से विधायक माननीय विधायक उत्तराखंड से मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द ने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, जिसने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, ऐसे उत्तराखंड के अमर शहीदों को सौ बार नमन मेरा, सौ बार नमन मेरा, सौ बार नमन मेरा। आज हमारे बीच में आदरणीय मोहन सिंह जी विष्ट नहीं है, लेकिन उनकी याद जो साक्षात मैं देख रहा हूं वो मेरे सामने है, उनको नमन करते हुए मुख्य अतिथि के रूम में पहुंचे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन। 9 नवंबर को ये कार्यक्रम का आगाज हुआ और आज पांचवा दिन है, जहां पंच वहां परमेश्वर। और हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि जी हैं उनके बाद नाम भी उनका उसी तरह का है, शेष नारायण मिश्र जी। तो कुछ शेष बचा नहीं है कुछ कहने के लिए, और वैसे भी कोई छोटा बोना ऊंचे पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा करे तो हास्य का पात्र बनेगा, लेकिन आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, आज उत्तराखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। आपने जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, अभी मेरे युवा साथी बता रहे थे कि हमारे साथ यहाँ पर काम किया है, पूरी पढ़ाई जो पूरी उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ पर हुई है, 2007 तक उन्होंने उनके साथ काम किया है, आज वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी और मोदी जी, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रदेश है, चल रहा है, तो भारत वाम मां परम वैभव की ओर जा रही है सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का और योगी जी का डंका बज रहा है। अंत में मैं एक बार पुनः आदरणीय योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतने सुंदर कार्यक्रम का उन्होंने आगाज किया, और आज हम मुझे ये सौभाग्य मिला। आदरणीय नीरज जी, चौरसिया जी मेरे मित्र हैं, मेरे पारिवारिक संबंध है, इनसे मिलने के लिए आया था। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव में विश्व जी यहाँ पर मौजूद हैं, कि मैंने विश्व जी से बात की है, आपको रुकना है, और मैंने अपना टिकट कैंसिल करा करके ये मुझे सौभाग्य मिला कि हमारे मुख्य अतिथि और ये जो सुंदर प्रस्तुतियां इन बच्चों ने, बेटियों ने, बेटों ने दिखाई है, क्योंकि आज देश के अंदर हमारे बेटे और बेटियां मोदी जी के नेतृत्व में, और जहां भी हमारे सरकारें हैं, योगी जी, उत्तराखंड की सरकार, एक उत्तराखंड की बेटी ने ओलंपिक में 3 गोल लगातार दागे, 3 गोल लगातार किए, और अनुसूचित जाति समाज की वो बेटी थी वंदना कटारिया। तो आज बेटियां और बेटे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, देश की सरकार, प्रदेश की सरकारें आज हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अग्रसर है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस सुंदर कार्यक्रम के आगाज देने वाले आदरणीय मोहन सिंह विष्ट जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज जो आयोजक मंडल है उनको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड का।